सब्सक्राइब कीजिए जायका दिल्ली 6 को और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक फटाफट पहुंचे। आदाब, आज हम बनाने वाले हैं आलू बैगन। आलू बैगन बनाने वाले हैं हम खड़े मसाले के साथ। हमें सारे खड़े मसाले चाहिएंगे, तो सबसे पहले हम आपको दिखा दूंगे, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है। सिर्फ पिसा हुआ मसाले में हमारी ये हल्दी जाने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 8 ये रेड चिली ली हैं और मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है इस तरीके से, और इसके बीज सारे इसी में रहने दिए हैं। ये इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट देगी। 1/4 टीस्पून साबुत धनिया, 2 चुटकी हींग ली है, 1/4 टीस्पून से भी कम जीरा है, 4 लहसुन के जवे कट कर लिए हैं, 1 छोटी प्याज हमने कट कर ली है, ये हमारे छौंकने में काम आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि 3 ये हमने देसी टमाटर लिए हैं। हो सके तो ये थोड़े कच्चे ही लें, ये ज़्यादा खट्टे होते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसके अलावा 1/2 किलो हमारे बैगन हैं और 300 ग्राम हमारे आलू हैं। तो फटाफट हम इन्हें कट कर लेते हैं और पकाते हैं इसको पीली सरसों के तेल में। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। सरसों का तेल गर्म हो रहा है, हमने इसके अंदर जीरे के 2 बीज डाल के देखे थे और ये गरम नहीं था, फुल गरम होना चाहिए। इस तरीके से धुआं उठना सरसों के तेल में बहुत जरूरी है। ये हम डालते हैं इसमें जीरा, जीरे के साथ ही साथ साबुत धनिया और हींग डाल देते हैं। थोड़ा सा हिलाएंगे, फौरन ऐड करते हैं लहसुन, लहसुन का कलर बदलते ही फौरन डालते हैं प्याज। हम ये फुल फ्लेम पर पका रहे हैं। जैसे ही हमारी प्याज का कलर बदलता है फौरन इसमें ऐड करते हैं हम इसके अंदर हल्दी और साबुत लाल मिर्च। ये देखें, जैसे ही हमारी प्याज का कलर बदला थोड़ा सा, हम फौरन डालते हैं इसके अंदर ये रेड चिली, और रेड चिली के साथ ही साथ हम डालते हैं इसमें हल्दी। ये साबुत लाल मिर्च हमें बहुत देर नहीं भूननी है, इसका कलर बदल जाएगा। इसी के साथ हम डाल देते हैं ये 1/2 टमाटर, 1/2 टमाटर डालते ही हमारे लहसुन अदरक प्याज फौरन भूनने से रुक जाएंगे। 1/2 मिनट चलाते हैं, फौरन ऐड करते हैं। ये देखें हमारी हल्दी भुन गई है, हमें सिर्फ अपनी हल्दी को ही भूनना था। फौरन ऐड करते हैं हम इसके अंदर आलू बैगन। बैगन कभी भी बहुत देर पहले नहीं काट के रखने चाहिए और उसके बाद भी पानी में रखने चाहिए। हमने अभी भी इसको पानी में छोड़ा हुआ है। बैगन डालने के बाद हमने इसको हिला दिया है और इसका कलर कितना बढ़िया सा आया, एकदम गोल्डन सोने जैसा। हमें यही कलर इसका चाहिए था, फुल फ्लेम पर है अभी भी। हम इसके अंदर डालते हैं जायके के मुताबिक नमक या फिर 1 टीस्पून नमक। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, सिर्फ 50 ml पानी डाल देते हैं। ये आलू बैगन को गलाने के लिए पानी काफी है। हम इसमें 2 सीटी लगाते हैं फुल फ्लेम पर ही और फिर इसको खोल देंगे। इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा तो हम इसको खोल कर खुशक करेंगे, वैसे ही हमें बिल्कुल सही मिलना चाहिए फुल फ्लेम। ये देखें, हमने जो 1/2 टमाटर मसाले में डाल दिए थे, 1/2 हमने बचा लिए थे, वो हम इस वक्त इसमें ऐड कर देंगे। इनका जायका बिल्कुल अलग होगा। देखें, इसका पूरा प्रेशर हमने खत्म कर दिया और देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा तो हम इसको फुल फ्लेम पर खुशक कर लेंगे। आलू बैगन, आलू गोभी सब्जियां जो होती हैं बिल्कुल खुशक ही बनती हैं। ये देखें बिल्कुल सही है, ये नीचे भी देखें, ये बिल्कुल सही है जैसा हमें चाहिए था। हमें ये बिल्कुल पकाना नहीं पड़ेगा, तो हम इसको फटाफट करते हैं डिश आउट। और ये देखें, आप चाहें तो बैगन छील कर भी डाल सकते हैं। हमने पहले अपनी डिश में डाले हुए हैं लेकिन हमारे पास कमेंट आए कि आप छिलकी वाले बैगन बनाएं, तो ये इस तरीके से हम निकाल लेते हैं अपनी इस अच्छी सी प्लेट में, करते हैं इसको डिश आउट। हमने हल्का सा चलाया है इसे, आप चाहें तो पूरा भी घोट लें एकदम से। तो ये देखें, ये खड़े मसाले के आलू बैगन, सिर्फ हल्दी हमारी इसके अंदर पिसे हुए मसालों की है, वरना इसके अंदर सिर्फ खड़े मसाले हैं। ये सफ़र के एतबार से, ये लंच के एतबार से बच्चों को दें तो ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आलू बैगन बनाए, हमारे तरीके से बनाए, ज़रूर बनाए, हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।